नमस्कार आदाब, कैसे दोस्तों? हो बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या फिर यूसेट या फिर ऑल ओवर इंडिया में कोई एंट्रेंस एग्जाम होते हैं या गवर्नमेंट जॉब, आप उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन जो सीए फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप स्टूडेंट, उनके लिए भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम तो एटलीस्ट आना ही चाहिए, ठीक है। तो सर इसमें हमको डिटेल पढ़ना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में? नहीं, बस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मीनिंग जानना है, कौन इसको इशू करती है, और जो उसमें IFRS है, इंड एएस है, उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। बस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 32 था अब 29 हो गया है, उसके बारे में बस थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या हिस्ट्री उसके बारे में समझेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है इसके बारे में भी पहले हम लोग समझते हैं। आप सपोज करिए मेरे दोस्तों, आपको मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं कि आपको सपोज करते हैं कि कोई बीमारी है, ठीक है ना। आप डॉक्टर के पास जाते हो तो एक बोलता है कि नहीं आपको मलेरिया है, अब दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलता है सर आपको डेंगू है, और तीसरा डॉक्टर तो अजब ही कर दिया, बोलता है सर आपको लबेरिया है, बोलते हैं नहीं बीमारी लबेरिया कौन सी आ गई। फिर चौथे के यहाँ जाते हैं तो बोलता है कि मलेरिया लबेरिया फाइलेरिया सब है आपको। आप बताओ डॉक्टर पे आप विश्वास करोगे? नहीं ना, मतलब रिपोर्ट तो कोई एक ही आना चाहिए ना, हम 10 जगह से कराए रिपोर्ट कोई एक ही आना चाहिए, बट रिपोर्ट तो बहुत से टाइप के आ रहे हैं, तो आपका विश्वास होगा डॉक्टर के ऊपर कि नहीं सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, पता नहीं क्या है को, सब किसी को पता ही नहीं एग्जैक्ट। उसी तरीके से बिजनेस में भी हजारों लाखों कंपनियां सब अपने हिसाब से अकाउंटिंग करने लगे, तो कोई भी अकाउंटेंट कोई भी ऑडिटर जब जाएगा ऑडिट करने के लिए अकाउंटिंग, क्या हज़ार टाइप का अकाउंटिंग सीख के जाएगा? नहीं ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब लेखांकन प्रमाप जिसको हिंदी में बोलते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक गाइडलाइन एक तरीके से इशू किया जाता है अकाउंटिंग बॉडी के द्वारा, जो अकाउंटिंग मतलब उस एरिया में जो सबसे एक्सपर्ट लोग होते हैं, अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव जो लोग होते हैं, या फिर अकाउंटिंग ICAI हो गया, ICSI जो हो गया, ठीक है ना, मतलब आपका जो अकाउंटिंग बॉडीज है वह एक गाइडलाइन इशू करती है कि आप कैसे ट्रांजेक्शन को ट्रीट करोगे, जिससे पूरे ऑल ओवर इंडिया का पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या रहे, सेम रहे, ठीक है ना। तो इंडिया का पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था, फिर जब इंटरनेशनल ग्लोबल सब कुछ हुआ तो बोले लगे कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसी संस्था का थोड़ी होता है, ये तो गवर्नमेंट का होना चाहिए, तब इंड एएस आया। बट इंड एएस अभी हम लोगों को उतना पढ़ना नहीं है, बस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में जानना है, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आई थिंक थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको लग गया होगा। आपको मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूँ कि अपना 1 जुलाई 1949 को ICAI इस्टेब्लिश हुआ। ICAI मतलब कॉमर्स स्टूडेंट अगर हो तो आपको ICAI के बारे में पता होना चाहिए। ICAI मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इस्टेब्लिश हुआ था 1 जुलाई 1949 को, मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारा जो संविधान बना था उससे पहले ही हमारा ICAI इस्टेब्लिश हो गया था, ये सबसे रोचक बात है। 1 जुलाई 2017 को GST आया था, मतलब 1 जुलाई को ही क्यों होता है कॉमर्स के, 1 जुलाई को हम लोग CA डे के नाम से जानते हैं, कॉमर्स स्टूडेंट के लिए जो सबसे बड़ा प्रोफेशन होता है CA, और CA डे होता है 1 जुलाई को, ठीक है, 1 जुलाई को, इस वजह से हम लोग 1 जुलाई को GST लाए थे, ठीक है ना। अब GST वगैरह का कॉन्सेप्ट आपको अलग से बताया जाएगा, उसमें आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो कि आया हुआ एग्जाम में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इस्टेब्लिश हुआ था 1977 में, कि सारे अकाउंटिंग एक जैसे, उसके लिए उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया, कमेटी बनाई, उसके बाद उन्होंने गाइडलाइन जारी करना स्टार्ट किया, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, आइए स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर द रिटेन स्टेटमेंट, मतलब ये क्या है, लिखा हुआ एक स्टेटमेंट, लिखा हुआ एक डॉक्यूमेंट है, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसे दिखने वाला, एक यूनिफॉर्म अकाउंटिंग रूल्स एंड गाइडलाइंस इशूड बाय द अकाउंटिंग बॉडीज, मतलब एक जैसे अकाउंटिंग सबका हो, सभी कंपनी सभी बिजनेस का, उसके लिए एक रिटेन स्टेटमेंट इशू किए जाते हैं, गाइडलाइन जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट के द्वारा, ठीक है, अकाउंटिंग बॉडी के द्वारा, ठीक है ना। जो अभी इंडिया का जो अकाउंटिंग बॉडीज कौन है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड, है ना, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग ICAI बोलते हैं।
टू बी फॉलो वाइल प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको हम लोग फाइनल अकाउंट बोलते हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो कह रहा है कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अकाउंटिंग करेंगे उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के द्वारा जो गाइडलाइन दिया, मतलब अकाउंटिंग बॉडी के द्वारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में रूल्स रेगुलेशन बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको सारे ट्रांजेक्शन को करने होते हैं। अब आगे क्या बता रहा दोस्तों, दीज अकाउंटिंग रूल्स प्रोसीजर्स आर रिलेटेड टू मेजरमेंट वैल्यूएशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन फर्म। मतलब कैसे अकाउंटिंग को मेजर करेंगे, तो अकाउंटिंग को मेजर करने के लिए, बिजनेस में ट्रांजेक्शन को मेजर करने के लिए मनी होता है, स्केल क्या होता है, मनी होता है। ट्रांजेक्शन को मेजर करने का स्केल क्या होता है मेरे दोस्तों, मनी होता है, ठीक है। उसी से हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसके कैसे मेजर करेंगे, उसका कैसे वैल्यूएशन करेंगे, ये सारा चीज आपको बताया जाता है, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है दोस्तों, कॉलर क्या बोल रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर ए कोड ऑफ कंडक्ट। मतलब होता है ना जैसे आईएमए डॉक्टर लोगों का आईएमए होता है, उसी तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट होता है इम्पोज ऑन द अकाउंट बाय द कस्टम लॉ एंड प्रोफेशनल बॉडी। मतलब सबको क्या करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। अब इसमें आपको बहुत सारे हैं नियम, इसको देख लेना है, बस हम आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कब आया था और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन कौन है जो 32 है, तो कौन इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ASB कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1977 में, यह बीकॉम एंट्रेंस में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखिए, नोट्स तो आपको हम यह दे देंगे बट आपको भी कुछ चीजें लिखना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या बताता है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, मतलब जो भी आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी। अब अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है सर, हम आपको बता चुके हैं, वो वीडियो जाके देख लीजिए, अगर नहीं देखे हैं यूट्यूब पे है तो ऐप में जाके देख लीजिए, कोर्स परचेज करके अल्पाइन क्लासेस के नाम से ऐप है, आप ऐप को परचेस करेंगे, सॉरी डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से जाके, फिर उसमें बहुत ही मिनिमम चार्ज पे कोर्स, ओनली अकाउंटिंग का वीडियो चाहिए, ओनली आपको सब्जेक्ट वाइज वीडियो चाहिए, ओनली आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, ओनली आपको नोट्स चाहिए, अलग अलग भी फीचर्स अवेलेबल है, उसका कंबाइंड भी फीचर्स अवेलेबल है, तो जो आपको चाहिए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप ले लीजिए। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या है दोस्तों, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, मतलब जो भी आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी होगी उसको आप लोगों के सामने डिस्क्लोज करोगे, बताओगे, समझाओगे कि हमारी अकाउंटिंग में हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, हम अपने यहाँ कैसे मेथड कैसे वैल्यूएट करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का क्या वैल्यूएशन करने का रूल्स होता है, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर पे हम लोग अकाउंटिंग में जो स्टॉक बचता है उसको रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट FSA में हमने पढ़ा दिया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और YouTube पे भी वीडियो अपलोड कर दिया जो बच्चे ऐप में नहीं है, ठीक है ना, ऐप पे सारा वीडियो जाता है, YouTube पे थोड़ा कम जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉन्टिंजेंसी इन इवेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 क्या बताता है, कॉन्टिंजेंसी एंड इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। जैसे सपोज करते हैं कि बैलेंस शीट आपका बन गया 31 मार्च, बट उस पर जो अथॉरिटिक बॉडी है जैसे डायरेक्टर हो गया या फिर जो भी CA हो गए, उस पर जब तक साइन नहीं करते, जब तक सिग्नेचर नहीं करते हैं, तब तक सपोज करते हैं साइन करने में एक महीना लग गया 30 अप्रैल, तो 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में जो भी घटनाएं होगी उसको हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे वही बताता है। ऐसी कोई कॉन्टिंजेंसी, ऐसी इवेंट जो बैलेंस शीट बनाने के बाद अगर होते हैं उसका कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा, यह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 हमको बताता है, गाइडलाइन करता है। जब डिटेल में आप पढ़ोगे तब आप CA, सर डिटेल पढ़ने को कहाँ मिलेगा, जब बी कॉम फर्स्ट ईयर में आप आओगे या फिर CA में, जब CA ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिटेल पढ़ना, उसका चैप्टर है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 क्या होता है, प्रायर पीरियड एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम एंड चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी। मतलब कोई रनिंग बिजनेस को अगर हम परचेज कर लेते हैं, जैसे कोई बिजनेस चल रहा है उसको इस डेट को परचेज कर लेते हैं, तो 12 महीने का अकाउंटिंग तो इस डेट को बनेगा, बट आपने इस डेट को परचेज किया है तो इसके पहले वाले पीरियड को हम लोग प्री बोलेंगे या प्रायर बोलेंगे, इसके बाद वाले पीरियड को हम लोग पोस्ट या सबसिक्वेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो इसके प्रॉफिट, मतलब ये जो 12 महीने का प्रॉफिट है, तो जो हमारे पास बिजनेस जिस समय तक नहीं था उसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, प्रॉफिट जब हमारे पास आ गया उसका जो प्रॉफिट आएगा उसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, यह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 सिखाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो कि एग्जाम में आया हुआ है, डेप्रिसिएशन, जो कि अब क्या हो गया है, रिमूव्ड कर दिया गया, मतलब मर्ज कर दिया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड
10 में, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेप्रिसिएशन किस में चला गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में चला गया है, पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में चला गया है। नेक्स्ट है मेरे दोस्तों अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट 7 क्या है, अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब दोस्तों कि जो हम लोग किसी को बिल्डिंग ब्रिज वगैरह बनाने के लिए दे देते हो, दो दो तीन तीन साल चार चार साल तक बनता रहता है, तो क्या चार साल बाद जब बिल्डिंग बन जाएगा तब उसको टोटल पैसे देंगे, वो खाएगा क्या जिएगा क्या, तो एक साल में कितना काम हुआ उसका सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसको कैसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, कैसे मेजर करेंगे कि कितना परसेंटेज काम हुआ है कितना परसेंटेज काम नहीं हुआ है, यह कौन बताएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दोस्त मेरे अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसे हम नया नया इनोवेशन करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट कराते हैं उसका भी खर्चा आता है, उसके कैसे ट्रीटमेंट करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 बताता। बस मेरे दोस्तों अब यह चला गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के साथ, मतलब दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मर्ज हो गए दूसरे में, 6 चला गया 10 में, 8 चला गया 26 में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, मतलब कब पहचानेंगे आप अपने आप को, कब पहचानोगे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपका हो जाएगा, आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है ये आप कब पहचानोगे, आप एक बार अपने माता पिता की नज़रों में देख लीजिए कि पापा हम तो सो रहे हैं, आपसे वादा किए थे कि हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए बट सो रहे हैं, उस दिन से आपको कोई मोटिवेशन वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे और लाइफ में बहुत अच्छा कर जाओगे, बट आके यहाँ पे सो रहे हो, घर पे सो रहे हो, एसी में सो रहे हो, तो आपका कुछ नहीं होगा, कुछ तपना पड़ता है, कुछ पाने के लिए आपको नींद त्यागना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। तो वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 क्या बताता है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, मतलब कैसे मान लेंगे कि रेवेन्यू हो गया, कैसे मानेंगे कि इनकम जनरेट हो गया, उसका रूल्स किस में बताता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में बताता है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन मेरे दोस्तों क्या होता है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब ये होता है कि जैसे हम आपको पढ़ा दिए एक महीने, तो हमने इनकम जनरेट कर लिया एक महीने का, आप एक महीने का हमको फीस दोगे तो वो रेवेन्यू मान लिया है। कोई बोलता है कि आपको 5 साल बाद हम आपके यहाँ से लाखों रुपये का सामान खरीदेंगे, क्या उसको रिकॉर्ड करोगे, नहीं, जब वह होगा गुड्स जब हम बेचेंगे तब रेवेन्यू माना जाएगा, हाँ जब आपने गुड्स बेच दिया रेवेन्यू जनरेट हो गया, चाहे वह ट्रांजेक्शन नगद हो चाहे ट्रांजेक्शन उधारी हो, वो रेवेन्यू जनरेट कर लिया जाएगा। आप कहीं इन्वेस्ट किए हो, आपका एक साल हो गया है, इंटरेस्ट आपको मिलेगा और रेवेन्यू जनरेट कर लिया जाएगा, या किस में सिखाया जाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 क्या होता है सर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पीपीई, मतलब जो फिक्स एसेट्स होता था पहले जिसको अब हम लोग पीपीई बोलते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 क्या होता है, अकाउंटिंग फॉर द इफेक्ट ऑफ द चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज। अब जैसे हमारा ब्रांचेज फॉरेन में भी है, अब वहाँ पे जो अकाउंटिंग हो रहा है डॉलर में हो रहे हैं या पाउंड में हो रहे हैं यूरो में हो रहे हैं, तो अब वो इंडिया में रुपीज़ में कन्वर्ट होगा, रुपीज़ में जब कन्वर्ट होगा तो सिंपल सी बात है कि जैसे 1 अप्रैल को उसका रेट कुछ और होगा, 31 मार्च को उसका रेट कुछ और होगा, तो किस पे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, ओपनिंग रेट पे रिकॉर्ड करेंगे, क्लोजिंग में रिकॉर्ड करेंगे, उसका एवरेज लेकर रिकॉर्ड करेंगे, यह किस में सिखाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में सिखाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 क्या सिखाता है मेरे दोस्तों, गवर्नमेंट ग्रांट। सर गवर्नमेंट ग्रांट हम पहली बार सुन रहे हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 बता रहा है कि गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट मेरे दोस्तों होता है कि गवर्नमेंट आपको जब कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट करती है तो उसका कैसे ट्रीटमेंट करना होता है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 सिखाती है। 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो दो टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है, एक होता है एक्स इन्वेस्टमेंट है ना, और मतलब कम, और एक होता है एक्स इंटरेस्ट और एक होता है कम इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जैसे आपने 2000 रुपये का कोई इन्वेस्टमेंट किया तो आपको अलग से इंटरेस्ट मिलेगा, और कम इंटरेस्ट का मतलब होता है 2000 का आपने इन्वेस्टमेंट किया मतलब उसी में आपका इंटरेस्ट का भी पैसा शामिल है। एक्स मतलब इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट किया जाएगा, कम मतलब उसी में इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 अमलगमेशन है ना, अमलगमेशन क्या होता है दोस्तों, जब जब दो कंपनी आपस में मिलती है और एक कंपनी बनाती है तो उसको अमलगमेशन बोलते हैं, जैसे आइडिया वोडाफोन मर्जर। अब अमलगमेशन भी दो होता है, एक मर्जर होता है और एक परचेज। जैसे हमने आपके बिजनेस को परचेज कर लिया, आपको पैसे देके आपका ओनरशिप खत्म कर दिया, तो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। इसमें भी दो कंपनियां मिल रही है, बट दो आपकी भी कंपनी हमारी भी कंपनी मिलकर कोई एक नई कंपनी बनाती है, दोनों लोग उसमें मालिक बने हैं, तो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होता है। दोस्तों बस आपको नाम याद रखना है कि जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 क्या है,
13 क्या है, 14 क्या है, और इसमें कौन इंपॉर्टेंट है। वीडियो लास्ट तक बने रहिए, हम आपको इंपॉर्टेंट भी बताएंगे कौन आपके लिए ज्यादा एग्जाम में आता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 क्या होता है दोस्तों, रिटायरमेंट, कोई इंप्लाई अगर के रिटायर होगा तो उसके लिए जो कंपनसेशन वगैरह दिए जाते हैं उसका कैसे ट्रीटमेंट करना होगा वह 15 बताता है। 16 क्या बताता है दोस्तों, 16 बोलता है बोरोइंग कॉस्ट। 16 क्या बताता है, बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट मतलब कि जब हम किसी से उधारी लिए होते हैं, है ना, उस पर जो इंटरेस्ट या डिविडेंड वगैरह जो देने होते हैं खर्चे, उसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे 16। 17 सेगमेंट मतलब डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट वाइज जो रिपोर्ट तैयार करते हैं वो 17 होता है। 18 कोई रिलेटेड पार्टीज है तो उससे कैसे सारे ट्रांजेक्शन को डिस्क्लोज किया, उससे कैसे ट्रीटमेंट किए जाएंगे 18। 19 लीज, लीज जिसको हम लोग पट्टा बोलते हैं, तो पट्टे का पे अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उसका कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। फाइनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज दो होते हैं, है ना, फाइनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज, इसके बारे में भी आपको जानना है, बस नॉर्मली ऊपर ऊपर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 क्या है आपका, EPS। EPS मतलब अर्निंग पर शेयर, मतलब जो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे तो आपका अर्निंग पर शेयर मतलब एक शेयर पे कितनी अर्निंग होती है वो पता चल जाता है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब जैसे मान लेते हैं मिस्टर ए है और मिस्टर बी, इन दोनों की कंपनी है, ए ने बी के कंपनी का 60% शेयर एक्वायर कर रखा है, तो ए को हम बोलेंगे होल्डिंग कंपनी, बी को बोलेंगे सब्सिडियरी कंपनी। अब ये क्या करेगा, कंबाइंड रूप से दोनों का अकाउंटिंग बनाएगा, उसी को बोलते हैं कंसोलिडेटेड मतलब मिला देना। कंसोलिडेटेड अकाउंटिंग जब करेंगे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में उसका रूल्स बताया गया है। 22 में कैसे टैक्सेशन, जो भी इनकम पे टैक्स लगेगा उसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 बताता है। 23 क्या बताता है दोस्तों, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एंड कंसोलिडेट मतलब कि एसोसिएट कंपनी में, एसोसिएट कंपनी क्या होती है जिसमें हम इन्वेस्ट किए होते हैं और वो भी हमारे यहाँ इन्वेस्ट किए होते हैं, उसका कैसे हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। जब हम लोग टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ेंगे वहाँ पे शेयर डिवेंचर में, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें डिटेल बताई जाएगी, बस इतना समझिए रिलेटेड पार्टीज है ना, एक तरीके से जो हमने किसी दूसरे कंपनी में पैसा लगाया हुआ है तो उसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 बताता है। 24 डिसकंटिन्यू बिजनेस, है ना, जब कोई बिजनेस को बंद करेंगे, क्लोज करेंगे, है ना, जब कोई बिजनेस क्लोज करेंगे या बंद करेंगे तो उसका कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 बताता है। 25 इंटरिम फाइनेंशियल, है ना, जैसे मान लेते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 महीने का है तो इस डेट को रिपोर्ट तैयार किया था, बट बीच में भी रिपोर्ट तैयार करने जब जरूरत पड़ जाएगा तो कैसे तैयार किया जाएगा, उसका क्या रूल्स रेगुलेशन होगा, वह 25 में होता है। 26 इंटेंजिबल एसेट्स इंपॉर्टेंट है, इंटेंजिबल जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, उसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे 26 में बताता है। 27 है आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ द इंटरेस्ट ऑन ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर क्या होता है, एक अस्थायी साझेदारी ना, टेम्पोररी पार्टनरशिप होता है, कोई पर्टिकुलर इवेंट के लिए इकट्ठा होते हैं, वो काम करते हैं, फिर आपस में प्रॉफिट बांट के अलग हो जाते हैं, तो उसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 बताता है। 28 बताता है इम्पेयर, इम्पेयरमेंट मतलब होता है कि अगर हम कोई एसेट्स का इम्पेयरमेंट कराते हैं तो उसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, बस आपको नाम याद रख लेना है 28 में। 29 आपका प्रोविजन कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज एंड कॉन्टिजेंट एसेट्स का कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा। कॉन्टिजेंट एसेट्स क्या होते हैं, ऐसे एसेट्स जो अभी तो है नहीं बट फ्यूचर में बन सकते हैं, उसी तरीके से ऐसे लाइबिलिटीज जो अभी है ना फ्यूचर में बन सकते हैं उसको हम लोग कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज के नाम से जानते हैं, उसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। 30, 31 और 32 ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, मतलब 30 आपका इंस्ट्रूमेंट होगा रिकॉग्निशन या मेजरमेंट, 31 हो जाएगा प्रेजेंटेशन और 32 हो जाएगा आपका डिस्क्लोजर, मतलब 30 रिकॉग्निशन और मेजरमेंट हो जाएगा, 31 प्रेजेंटेशन और 32 डिस्क्लोजर, तो टोटल आपको 32। सर इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन है, इंपॉर्टेंट मैं आपको टिक कर देता हूँ, उसका नाम है आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। जैसे आपका स्टार्टिंग का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 आपको याद कर लेना है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, डिस्क्लोजर का 2, वैल्यूएशन 3, कैश फ्लो है ना, और आपका 6 डेप्रिसिएशन जो कि चला गया 10 में, ये इंपॉर्टेंट है। 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, हाँ 8 आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कि 26 में चला गया, 10 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ठीक है, 13 इन्वेस्टमेंट, 14 अमलगमेशन, 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, 19 लीज, 20 EPS, 21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 26 इंटेंजिबल एसेट्स और 29 कॉन्टिंजेंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, यह आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
दोस्तों अल्पाइन क्लासेस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब पे भी वीडियो, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। और पेड कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए अल्पाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड करके आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज आप उन बच्चों के रेस में शामिल एटलीस्ट हो जाइए जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या फिर पूरे ऑल ओवर इंडिया में जहां आपके जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसके सपने को पूरा करने के लिए आप हमारे कॉमर्स के जितने सारे सेक्शन हैं उसको आप पढ़ने के लिए, जितने सारे क्वेश्चंस आते हैं वो जानने के लिए, क्या क्या स्ट्रेटजी होती है वो सब जानने के लिए अल्पाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और इस वीडियो को यूट्यूब पे अगर अपलोड है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।